अगर आप जानना चाहते हैं कि लोकल फाइल स्टोरेज सर्वर होती क्या है और आप इसे अपने घर पर कैसे बना सकते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये लोकल फाइल स्टोरेज सर्वर क्या होते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर लोकल फाइल स्टोरेज सर्वर होता क्या है। मान लो आपने अपने घर पर एक डिवाइस को क्रिएट किया है जो जिसे आपने अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, यानी चाहे आपके यहाँ राउटर हो या फिर आपके पास कोई और इथरनेट केबल हो, आपने उसे कनेक्ट कर दिया उससे। और अब उस डिवाइस से जितने भी वो डिवाइस कनेक्टेड होते हैं उन डिवाइस के जरिए आप उस डिवाइस में फाइल एक्सेस कर सकते हैं, उनमें फाइल को मूव कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, आप जो चाहें उनमें फाइलों को कर सकते हैं। ये सर्वर यानी लोकल फाइल स्टोरेज सर्वर। लोकल फाइल स्टोरेज सर्वर मतलब है कि आप उसे किसी दूसरी कंट्री से, यानी कि आप उसे किसी और जगह से एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसे तभी एक्सेस कर सकते हैं जब वो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। यानी कि अगर आपके घर पर वाईफाई है तो आप उसे अपने वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। जितने भी डिवाइस आपके वाईफाई से कनेक्ट होंगे आप उनके अंदर, उसके अंदर जो मीडिया है आपके सर्वर के अंदर, उन्हें आप किसी भी डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं। चाहे आपके पास उसके अंदर मूवीज हो, सॉन्ग्स हो, आप उन्हें किसी भी डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं। ये है लोकल फाइल स्टोरेज सर्वर। तो आखिर आप अपने घर पर लोकल फाइल स्टोरेज सर्वर कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले आपको लोकल फाइल स्टोरेज सर्वर बनाने के लिए आपकी कोई डिवाइस की जरूरत होगी। अगर आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है तो उसके अंदर आपको सिंपल सॉफ्टवेयर मिलता है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है XMBS फाइल्स एक्सप्लोरर सर्वर। इसे आप जैसे ही अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में इंस्टॉल करते हैं, आप उसके अंदर सर्विस जैसे ही एक्टिवेट करते हैं, आपका जो डिवाइस है वो आपके नेटवर्क में शो हो जाएगा। यानी अगर आप विंडोज का में ले रहे हैं तो आप उस विंडोज़ की नेटवर्क सेक्शन में जाते हैं तो आपको वहाँ पर अपना मोबाइल दिखा देगा। आप उस मोबाइल के अंदर जितनी भी फाइलें, जितनी उसके अंदर स्टोरेज है, आप उसके अंदर डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो मोबाइल आपका सर्वर की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई दूसरा पुराना हार्डवेयर यानी पुराना पीसी है तो उसे आप फाइल स्टोरेज सर्वर कैसे बना सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने जो आपको पुराना पीसी है उसके अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है फ्री NAS, यानी कि ये एक नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज सर्वर है। ये जो ओपन सोर्स है इसलिए आपको फ्री मिल जाता है। आप इसे ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी साइज लगभग होगी 600 MB के लगभग। आप इसे जैसे ही डाउनलोड करते हैं आपको इसको पेन ड्राइव में डालना होगा या फिर आपको कोई CD में डालना होगा, उसे आप अपने नए जो पुराना पीसी है उसके अंदर बूट कर सकते हैं। जैसे आप इसे बूट करते हैं तो ये आपको जो सर्वर है वो आपको क्रिएट कर देगा, यानी आपके जितने भी डिवाइस उस नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे उन सभी में वो स्टोरेज आप खोल सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप ES फाइल एक्सप्लोर करके उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास विंडोज है तो आप विंडोज की नेटवर्क के और सेक्शन में जाकर उस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करें अगर आपके पास कोई पुराना पीसी भी नहीं है या फिर आपके पास पुराना मोबाइल भी नहीं है तो आप ये कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। आप अपने जो विंडोज़ है उसके अंदर जाइए, उसके अंदर जाकर आप जैसे उसके अंदर सेटिंग में जाते हैं, यानी कि आपकी जो भी फोल्डर बनाए हुए हैं उसकी सेटिंग यानी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो आपको वहाँ पर फाइल शेयरिंग ऑप्शन जाता है। आप जिस भी फोल्डर को शेयर करना चाहते हैं, यानी मान लो आपके पास कोई मीडिया का आपने अलग फोल्डर बनाया हुआ है, आप चाहते हैं कि इस मीडिया में जितनी भी फिल्में, गाने, सॉन्ग्स जो भी है वो सभी आपके नेटवर्क में दिखाएं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले उसकी जो फोल्डर है जिसमें आपने ये सारा डेटा स्टोर किया है उसकी प्रॉपर्टी में जाइए। वहाँ पर आपको आपको शेयरिंग ऑप्शन दिखाई देगा। आप उस शेयरिंग को नेटवर्क शेयर में ऑन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको उसको एवरीवन में रीड एंड राइट की परमिशन देनी होगी। जैसे आप इसमें रीड एंड राइट की परमिशन देते हैं ये आपके जो नेटवर्क में वहाँ पर दिखा देगा, यानी कि जितनी भी डिवाइस आपके उस नेटवर्क से कनेक्टेड है उसमें डिवाइस में आप इसकी एक्सेस कर सकते हैं। ये है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, यानी कि इसे हम NAS भी बोल सकते हैं, यानी कि इसकी कई सारे अलग हार्डवेयर भी आते हैं जिसे आप Amazon, Flipkart से खरीद सकते हैं, मगर वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए आप अगर आप अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो ये आपके मन 3 तरीके बताए हैं जिनके जरिए आप अपने घर पर एक नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज बना सकते हैं। ये है लोकल फाइल स्टोरेज सर्वर। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा लोकल फाइल स्टोरेज सर्वर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।